बच्चों, आज मैं आपसे एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बात करना चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे परसेंटेज की। अब देखो, ये तो आप सबको मालूम ही होगा कि ये जो 5 है ये ग्रेटर है किससे, तो 4 से। इसमें तो किसी को भी किसी भी कीमत पे डाउट नहीं होगा। और ये कितना बड़ा है 4 से या फिर 4 कितना छोटा है 5 से, ये भी आपको डेफिनेटली मालूम ही होगा। लेकिन आज जो मेरा क्वेश्चन है वो ये कि 5 4 से कितना परसेंट बड़ा है, और इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन होगा वो ये कि 4 5 से कितना परसेंट छोटा है। चलिए मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं, इसके बाद निकालने का तरीका भी बता दूंगा। देखो, ये 5 डेफिनेटली 4 से बड़ा है, और ये कितना बड़ा है ये जानते हो? ये 25% बड़ा है। और बड़ा के लिए मैं चलो प्लस लिखता हूं। इसका मतलब साफ ये है कि 4 में जब 25% ऐड करोगे ना आप, तो ये आपको 5 मिल जाएगा। लेकिन इससे भी मजेदार बात आपको अब देखने को मिलेगा कि जब मैं पूछूंगा कि 4 5 से कितना छोटा है, राइट ना, तो जानते हो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? इस केस में आंसर हो जाएगा सिर्फ 20% हो जाएगा, और माइनस मैंने लिखा छोटा के लिए। यानी कि 5 से जब 20% निकाल लोगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको 4, लेकिन 4 से जब 24 में जब 20% ऐड करोगे तो 5 नहीं मिलेगा। तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा 4 में? 25% ऐड करना होगा। देखो, वीडियो को पहले रोक करके इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। हालांकि यहां मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, मैं इसको साबित भी करके आपको दिखा दूंगा। देखो ना, मैं साबित करके दिखा ही देता हूं। अब देखो, मैंने क्या कहा, 4 में जब 25% ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो देखो, मैं करके सो ही कर देता हूं ना, 4 प्लस 25% ऑफ 4 लिख देता हूं। और जैसे ही इसको ऐड करोगे, आप सबने अगर परसेंटेज के बारे में कुछ भी पढ़ रखा है तो 25% ऑफ व्हाट, तो ऑब्वियसली ऑफ दिस वैल्यू यानी कि 4 हो जाएगा, राइट ना। तो ये 1/4 आ रहा है, देखो 25/100 इनटू 4 आ रहा है, राइट ना। तो ये कितना हो गया, 4 + 1 = 5 आ रहा है क्या? आप इसके साथ भी ये काम करके देख सकते हो। चलो मैं आपको यहां करके सो ही कर देता हूं। देखो, मैंने क्या कहा, जब 5 से 20% निकालोगे तो देखो मैं यहां कर देता हूं 5 - 20% ऑफ 5। ध्यान रहे, जो यहां रहेगा वही यहां रहेगा। तो ये कितना आना चाहिए, ये डेफिनेटली 4 आना चाहिए। चलो मैं करके सो ही कर देता हूं ना, 20% का मतलब क्या होगा, 20/100 यानी कि 1/5 आ रहा है, इंटू 5 = 5 - 1 = 4। क्या आपने देखा इस चीज को? देखो, ये आपको हो सकता है अभी काफी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन काफी टेक्निकल इस कंसेप्ट को माना जाता है। आप किसी भी नंबर के लिए ये काम कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा 42 = कुछ भी लिख दो आप, 30 है, राइट ना। अब मैं पूछूंगा कि 42 30 से कितना परसेंट ज्यादा बड़ा है, या फिर 30 42 से कितना परसेंट छोटा है, तो जो मैं प्रोसेस अभी आपको बताऊंगा उसके हेल्प से ये चीज आप फाइंड कर सकते हो, राइट। एक और एग्जांपल दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि चलो यहां लिख देता हूं 12 लिख देता हूं, इज ग्रेटर देन ऑब्वियसली यहां मैं क्या 10 लिख देता हूं, ठीक है। तो अब मैं पूछूंगा कि 12 10 से कितना परसेंट बड़ा है, राइट ना, या फिर 10 12 से कितना परसेंट छोटा है। तो ऐसे किसी भी सवाल का आप जवाब काफी आसानी से दे सकते हो, जो कंसेप्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तो मैंने डायरेक्ट वेरीफाई कर दिया ना, अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि शॉर्टकट तरीके से कैसे आप निकाल सकते हो। देखो, पहले इसके लिए काम करते हैं, राइट ना, ये जो 25% वाला है, इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा? तो इसके लिए क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो 5 है ये 4 से कितना परसेंट ज्यादा है, राइट ना। तो देखो, इसके लिए जो प्रोसेस होगा ना, सबसे पहले आपको ऊपर दोनों के डिफरेंस लिखने होंगे, राइट ना, दोनों में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, ओके, डिवाइडेड बाय। नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि किससे किससे हम बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसकी हम बात 4 से कर रहे हैं, तो से में जो लिखा हुआ रहेगा ना उसको आप देखोगे। अब देखो, 5 4 से कितना बड़ा है ये आपसे पूछा गया है ना, तो जो से में रहेगा उसको आप नीचे लिखोगे। तो मैंने नीचे लिखा 4, राइट ना। इसके बाद ऑब्वियसली इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि परसेंटेज के लिए जो आप काम करते हो, तो सिंप्लीफाई कर लो, ये आया 25%। तो ये प्रोसेस होता है, और इस चीज को देखो मैंने यहां साबित भी कर रखा है, तो ये मत बोलना कि सिर्फ मैंने क्यों और कैसे ना जाने ये निकाल दिया, मैंने यहां साबित भी कर रखा है। अब देखो ना, इसका रिवर्स केस को भी आपको शो कर देता हूं। ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कितना दोनों में अंतर है, तो अंतर तो दोनों केस में सेम ही रहेगा ना, चाहे वो छोटा में हो या बड़ा में हो, राइट ना। लेकिन पहले एक बार क्वेश्चन में बता दूं, यहां क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन ये होगा 4 5 से
कितना परसेंट छोटा है। जरा मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, तो जो सेम में रहेगा ना उसको नीचे लिखोगे, ठीक है। तो यहां मैंने 5 लिखा और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। दो चार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो ये कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। और देखो इस चीज को मैंने पहले ही यहां स्टेटमेंट दे दिया था और क्रॉस चेक भी करवा दिया कि 4-5 से, वीडियो में बैक जाकर के आप सुन सकते हो मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, 4-5 से 20% छोटा है। अगर आप अभी नए हो परसेंटेज में तो इस वीडियो को 2-3 बार आपको देखना होगा। 4-5 से 20% छोटा है। और देखो ना उस चीज को मैंने यहां साबित भी पहले ही कर रखा है। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो में कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली सीखने को मिला होगा। और अगर परसेंटेज में अभी आप नए हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, तो इन क्वेश्चंस को प्लीज 1-2 बार आप ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए फिर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।